अपनी ही वाइफ की तारीफ करनी चाहिए, अपनी वाइफ पे फोकस करना चाहिए। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है खुशहाल जिंदगी का, खुश रहो, मस्त रहो, अपनी फैमिली के साथ रहो और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ। Hey everyone, hello and welcome back with the new vlog. कैसे हैं आप सभी? Hope you all doing good. So अभी मैं नहाकर हो चुका हूँ free. Free in the sense मतलब आज मतलब जो डेली रूटीन वाले सारे काम करके फ्री हो चुके हैं और आज प्लान ये है कि आज काफी सारे शूट्स करने हैं हमें। Hey guys, good morning. तो मैं भी रेडी हो गई, मतलब रेडी नहीं हुई हूँ, नहा करके फ्री हुई हूँ अभी जस्ट। एंड आज मैं सोच रही हूँ कि आज हम दोनों करेंगे एंड रील्स भी शूट करेंगे। रील्स बहुत सारी शूट करनी है तो उन सारी चीजों का आपके पास दिन भर का आज व्लॉग आएगा कि हाँ मतलब हम क्या क्या कर रहे हैं। फिलहाल अभी मुझे रेडी करने के लिए मेरी जो मेकअप आर्टिस्ट है दी रजनी दी, वो आ गई है तो हाँ। बस मम्मी के साथ अभी बतिया रही है, वो फिर आएंगे ऊपर और फिर इनका मेकअप स्टार्ट होगा। मेकअप स्टार्ट होने के बाद कौन कौन सी साड़ी वेयर करने वाले हैं ये भी दिखाऊंगी। सारा कुछ पहले ही निकाल के रख लेते हैं ताकि उससे मैचिंग मैं भी अपना निकाल के रख लूं ताकि हम लोग कंटिन्यू अपना आज का पूरा दिन गाइस हमें सिर्फ इसी में ही देना है क्योंकि बहुत सारा काम जो है ना वो बढ़ गया है तो सोचे कि थोड़ा सा मैनेज करके चीजों को और आज करते हैं। हेलो दीदी। हेलो भैया। तो हम लोगों ने यहाँ पर साड़ियाँ लेकर आ गए हैं, आज कोशिश रहेगी इन सब का करना है। ये साड़ी बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही प्रिटी साड़ी, इसमें पूरा पर्ल वर्क है तो इसका ब्लाउज भी बन के आ गया, बहुत ही ज्यादा सुंदर। ये देखिए बैक नोट है ना, तो एक ये साड़ी पहनना है मुझे, एक ये ब्राइडल साड़ी है इसको पहनना है, एक ये गोल्डन साड़ी है इसके साथ स्टिच्ड ब्लाउज आई हुई है तो एक ये वेयर करना है, और एक गटचोला साड़ी ये वाली वेयर करनी है वाइन कलर की, और एक भी ये ब्लू साड़ी वेयर करनी है। एंड ये भी बहुत प्रिटी सी साड़ी है, इसको दिखाती हूँ, ये थोड़ी डिफरेंट आएगी बाकी साड़ी इसमें से। इसके साथ स्टिच्ड ब्लाउज आया हुआ है, क्रीमिश कलर की साड़ी है ये, इसे रेड बॉर्डर के साथ, और एक ये इसका। सारी साड़ियां अपने आप में बेस्ट हैं। हाँ। बस एक के बाद एक करते चलना है। बस आज मैं सोच रही हूँ इतनी साड़ी, इसका भी एक ग्रीन साड़ी यहाँ रखी है। हाँ। इसको मैं निकाल लाती हूँ, कोशिश करेंगे कि इतनी साड़ियों का आज दीदी आज आपको मेकअप ऐसा करना है कि रात तक चले, हम 2-3 बजे तक शूट कर लेंगे। बिल्कुल। साड़ियों का आज अगर हमने कर लिया तो हम लोग रिकॉर्ड कायम कर लेंगे। सच में ये बात तो है, अभी 7 साड़ीज का अभी आज तक हमने कोलैबोरेशन किया नहीं है ना, तो हम हमारा रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहते हैं आज लेट नाइट तक। मैं दीदी से बोल रहा हूँ कि ऐसा मेकअप करिएगा कि लेट नाइट तक चले, हम लोग शूट कर लेंगे। जो भी साड़ियाँ वेयर करेंगी ना गाइस, जो भी ब्लॉग में आएगी उन सबकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन। समझ नहीं आ रहा शुरुआत किससे करें, क्योंकि तो इसमें अपन कुछ ऐसा लुक करते हैं लाइक थोड़ा एंगेजमेंट वाली वाइब आए। हाँ। है ना, एंगेजमेंट लुक करते हैं। एंगेजमेंट कर ही लेंगे भैया। आपको एक रिंग लेकर आनी पड़ेगी आज मैंने नहीं देखा उस समय आपकी एंगेजमेंट कैसे हुई थी, आज मैं देख भी लूंगी। मैं भी भूल गया हूँ थोड़ा थोड़ा। है ना, फिर हम याद दिलाते आज। सही है यार, सारी मतलब सारी साड़ियाँ जितनी हम लोग लेकर आए हैं ना अभी तो सब अपने आप में बेस्ट है। और दी पता है अभी लहंगे वगैरह तो रखे हुए हैं। अच्छा, उनका भी सूट करना है, पर मैं सोच रही हूँ आज साड़ी ही करती हूँ क्योंकि तो लहंगे के ब्लाउज हो गए, मतलब नहीं अभी नहीं हुआ है, आने वाले हैं। अच्छा। ठीक है, अभी तो ये करिए है ना, क्योंकि यही बहुत देखिए उसको कर लीजिए सबसे पहले में, है ना। हाँ। उसके बाद इसको करते हैं। हाँ, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। उसके बाद फिर अपन थोड़ा कलर चेंज करेंगे फिर। हाँ, हाँ, हाँ। फिर या तो ग्रीन करेंगे या वो ब्लू करते हैं। ठीक है, ब्लू। ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद फिर गोल्डन, फिर हाँ, ये ऐसा करेंगे। इसका ब्लाउज ये स्टिच मतलब मेरे पास पहले से रखा था, वो कलर सेम जैसा ही है। ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ज्वेलरी भी ले आई है की
कौन सी किसके साथ वेयर करना है पता चल जाएगा अच्छे से, है ना, वेयर कर करके देखेंगे ना तो सही रहेगा। सब इतना मिक्स मैच हो गया है ना मेरे उसमें। अब जब तक हम लोगों का पूरा क्लोजेट नहीं बन जाएगा तब तक ये इस पे जाएगी ना, अच्छी रहेगी। हाँ, इस पे इसकी एयरिंग्स तो उसकी ही चलेंगे। हाँ, सारी मैंने ज्वेलरीज निकाल के रखी है कि कौन सी साड़ी में कौन सी ज्वेलरी जमेगी। तो आई थिंक कोई ना कोई ज्वेलरी सारी ही साड़ी से मेरी जम जाएगी, तो इसी में से मैं पहनती रहूंगी। एंड अभी ये वाली साड़ी वेयर करने वाली हूँ इसलिए यहाँ पे ये चूड़ा निकाल के रखा है। बाकी सारे कलर के चूड़ा भी निकाल लेती हूँ मैं, फिर दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक मेरा कैसा हुआ है। तो गाइस अभी मैं भी हो चुका हूँ रेडी और इनका लुक दिखाता हूँ पहले, उसके बाद हम बातें करते हैं। सो ये रहा इनका आज का गेटअप, कुछ एंगेजमेंट वाली वाइब आपको लग रही है? होली होने वाली है तो मैं बस ऐसे में करके बैठने वाली हूँ, या तो फिर ऐसा मेरी एंगेजमेंट होने वाली है, या तो फिर मैं किसी वेडिंग गेस्ट जैसा भी थोड़ा सा फील आ रहा है, किसी शादी में जाने वाली थोड़ा सा ऐसा सा फील आ रहा है। तो अगर आपको भी मेरे जैसा मेकअप कराना है तो नंबर दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में और आईडी भी दे रही हूँ दी की, जिन्होंने मेरा मेकअप किया है वो यहाँ दे रही हूँ। तो रजनी दीदी का नंबर दे रही हूँ मैं आपको, अगर आपको भी करवाना है मेरे जैसा मेकअप प्यारा सा तो आप डेफिनेटली इन्हें कॉल कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। तो जो लोग भोपाल से हैं वो लोग तो डेफिनेटली कर ही ले रहा है यार वो, क्योंकि अभी वैसे भी वेडिंग सीजन आ गया है तो पहले से बुकिंग रह दे रहा हूँ तो सही रहता है। मुझे पर्सनली इनका मेकअप बहुत पसंद आता है इसलिए मैं हमेशा आप देखते होंगे मैं बार बार इनसे मेकअप करवाती ही रहती हूँ। तो बिना किसी डाउट के आप बस बुक कर डालिए भैया। कई कस्टमर ऐसा बोलते हैं कि हमको आपके जैसा ही मेकअप चाहिए, मतलब मुझे देखेंगे एंड उसके बाद डीएम करेंगे आपको कि मुझे प्रिया दी जैसा ही मेकअप चाहिए। मैं कैसे, मतलब मैं कोशिश करूंगी। मेकअप तो आप ठीक है नो डाउट कर देंगे, पर फेस कहाँ से लेकर आएंगे? ये बात भी बिल्कुल सही है। तो गाइस मेकअप तो आपको देखिए सेम, क्योंकि देखिए मेकअप सेम मिलता है पर सबका फेस, फेस की क्वालिटी, सब कुछ अलग रहती है तो उसकी वजह से मेकअप अलग अलग लगता है, है ना। सेम पता है आपके जैसे ना अमोल भाई आए थे मेहंदी लगाने के लिए मुझे, अभी जिनकी मेहंदी में लगा के रखी है, तो वो भी सेम यही चीज बोल रहे थे। दी आपके हाथ का ना स्क्रीन शॉट लोगों ने मेरे साथ शेयर किया और वो यही बोल रहे हैं जैसा आपने प्रिया दी को मेहंदी लगाई ना मुझे सेम लगा। और वो क्या बोलते हैं, मतलब मेरे हाथ जैसे थोड़ा सा गोल मटोल से हैं। तो वो ये बोलते हैं कि दी आपके हाथ में ना कोई भी मुझे फिगर बनाना होता है ना तो परफेक्ट, देखिए आप उसमें महल भी है प्लस मोर भी बना हुआ है और ऊपर ना गुंबज में भी मोर बैठा हुआ है, तो बोले आपके हाथ में मुझे इतने स्पेस मिल जाता है कि मैं सारा कुछ बना देता हूँ। क्या सामने वाले को बता नहीं सकते ना, समझ बोल नहीं पाते, तो वो हो गया सबका अलग अलग, मतलब जो क्या बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर होता है वो सबका अलग अलग होता है इसलिए थोड़ा सा चेंजेस लग सकते हैं, बट आपको मेकअप तो सेम ही मिलेगा है ना। तो जो लोग भी ऐसा सेम मेकअप करवाना चाहते हैं लाइक आई मेकअप वगैरह अगर आपको पसंद आता है तो आप स्क्रीनशॉट दी के साथ शेयर कर सकते हो, वो सेम ही दे देंगे आपको मेकअप, बट वो मेकअप आपके फेस पे आपके अकॉर्डिंग लगेगा। हाँ, मेकअप सेम रहेगा पर होने के बाद वो आपके फेस के अकॉर्डिंग। और फिर पता है मतलब कई चीजों में ना ऐसे जाना भी नहीं चाहिए कि नहीं सेम ही चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फीचर्स के हिसाब से आपके फेस पे कुछ अलग चीजें भी जाते हैं। लाइक जैसे मैं बताऊँ मेरी कभी बताती हूँ, मेरे ऊपर शायद ब्लैक स्मोकी आईज मुझे ऐसा लगता है कि नहीं सूट करता, ब्लैक स्मोकी आईज गाइस मेरे ऊपर सूट नहीं करता, पर मैं भैया मैं करूंगी एक बार ट्राई करना बनता है, मतलब सोचा ही करूंगी, ये दीदी का ये थोड़ा सा निकालना है। दीदी का कहने का मतलब ये है कि आपके ऊपर सब अच्छा जाता है, अच्छा लगेगा। मुझे पता है, हो सकता है कि
जब मैंने किया रहा हो तो मेरे ऊपर सूट नहीं किया रहा, तब से मेरे दिमाग में बैठ गई जैसे को एक बार मैंने किया लेकिन शो किया रही बहुत सुंदर जब से बिगड़ा है ना गाइस तब से स्मोकी आइस से भरोसा उठ गया, ब्लैक स्मोकी आइस से। बाकी ब्राउन तो मैं करती रहती हूँ, ब्राउन तो सूट करता है, बट ब्लैक पता नहीं कभी दी करेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यू बोल रही है भैया मुझे एक बार इनके ऊपर ओ भैया मैं करूंगी, भले मुझे इनको पसंद नहीं आया, भले इनको फेस धोना पड़े पर मैं करूंगी। नहीं नहीं सही बात है, हो सकता है करने के बाद ज्यादा अच्छा लगे। अच्छा लगे नहीं, अच्छा लगता है। अब पता नहीं दीप ने सामने वाले ने कैसा करा हो मुझे नहीं पता, पर स्मोकी आइस बहुत अच्छी लगती है। तो ठीक है मैं कभी करवाऊंगी, बर्थडे पे तो आपने किया है उसके लिए सॉरी भैया, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैं नहीं आ पाई, समझ सकता हूं। मेरा बहुत मन था आने का, पर अब प्रिया दीदी की ही वो बर्थडे आने वाला है उस पे जरूर करूंगी मैं। हाँ ठीक है डन है ना, डन डन डन। अभी तो जयश्री का बर्थडे आने वाला है, अच्छा है ना, 20 तारीख को इसको रेडी करना, अच्छा सा लुक मैं आपको बताऊंगी कैसा करना है। नेचुरल भी लगे थोड़ा सा, बारबी टाइप भी थोड़ा अलग सी लगे, बड़ी मस्त प्यारी सी, या वेस्टर्न लुक आपको बताऊंगी। ठीक है ऐसा करना आप मेकअप मस्त, ठीक है। तो गाइज अभी हमारा शूट चल रहा था और इसी बीच एक पार्सल ही आ चुका है अभी, और एक और ये आ रहा है। ओ वाओ मुझे जो अभी पहनना है ना 20 को जयश्री के बर्थडे पार्टी में वो ड्रेस आई है। क्या बात कर रहे हैं, आज ही आप पूछ रहे थे ना पता नहीं कब आएगी। तो गाइज ये मुझे राधेश्याम शॉपिंग स्टोर से रिसीव हुआ है, आप इंस्टाग्राम में चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत ही प्यारी साड़ी है ये इंडो वेस्टर्न में ब्लैक कलर की, क्योंकि हमने सोचा था कि हम जयश्री के बर्थडे में ना दोनों ही लोग ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन करेंगे, कुछ पार्टी वेयर पहनेंगे। ओ वाओ शानदार है ना, बहुत शानदार। इसको पूरा नहीं ओपन करूंगी बिकॉज़ जॉर्जेट लुक में है, क्या जॉर्जेट मटेरियल है, जॉर्जेट मटेरियल में है, बिकॉज़ इसका लुक आप लास्ट में देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी मतलब फिस्कट वाला लहंगा स्टाइल में साड़ी होती है ना वो है, वो है हां। Oh, ready to wear blouse. Yes. Nice. और ऐसा लग रहा है कि perfectly है। हाँ, ये देखिए ना neck वगैरह भी अच्छा है ना। Wow. ये तो 20 को मैं इसी को wear करे हुए दिखूंगी आप लोगों को। Yes. Nice. तो अभी इस ड्रेस का शूट हम लोगों का हो चुका है। अब जा रहे हैं चेंज करने के लिए। ब्लॉट बॉर्डर वाली साड़ी दिखाई थी ना मरून कलर की जो निकाल के रखी थी, वाली साड़ी वेयर करूंगी। और आप क्या वेयर करेंगे आप? देखते हैं कुछ अच्छा सा उसके अकॉर्डिंग। ठीक चले चल या गाइज, हम लोग आ गए हैं अभी रूम में एंड अब कर लेते हैं हम लोग चेंज। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ सारा कुछ फैला के रखा है गाइज, थोड़ा सा मैसीपन को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि कुछ यही हालात हो जाते हैं। और अभी चूड़ा नहीं निकाली हूँ तो चूड़ा भी निकाल लेती हूँ, ये पहन लूँ ना। इसके बाद ये गोल्डन वाली भी पहन सकती हूँ, ये बहुत प्रिटी सी है साड़ी है ना, इसको भी वेयर कर सकते हो। है ना, बैक टू बैक करना ही है, करना ही है, तो इसको ही पहनती हूँ। बहुत प्यारी सी साड़ी है गाइस, तो सारी ही साड़ियों की डिटेल एंड पेजेस आपको हमारे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। यस। और वैसे भी अगर आप हमें इंस्टा में फॉलो करते हैं तो उसमें आपको सारी डिटेल मतलब बेटर यही रहेगा कि आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में हमारी आईडी है, वैसे हिमप्रिया दी लवबर्ड्स अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें वैसे भी इजीली ही मिल जाएंगे हम, तो जाइए वहाँ पे सर्च कीजिए एंड हमें फॉलो कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पे ऐसे सारे बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शंस आते ही रहते हैं। तो बस फटाफट से वेयर करती हूँ साड़ी एंड आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा नेक्स्ट वाला लुक। सो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा रहता है, अभी मैंने लाइट ऑफ करके रखा है ना, यहाँ पर मैंने लगाया था ये सोलर लाइट, ठीक है, और अभी ये जो सीरीज चल रही है ना इसकी वजह से इसकी रोशनी थोड़ी कम हो गई है, अभी मैं लाइट ऑन कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगी, ये देखिए सिर्फ एक जल रही है बाकी सब बंद हो गई। अब इसके ऊपर ऐसे हाथ रखिए, हाँ हटाइए फिर रखिए, अंधेरा रहता है तभी ये लाइट्स चलती हैं। हाँ देखिए ना उसकी और इसकी स्पीड मतलब देख लीजिए रोशनी की, ये देखिए अभी कितनी तेज जल रही है, ठीक है, और ये देखिए डिम लाइट डिम तेज हो रही है, ऐसा करेंगे तो कितनी डिम हो गई, जितना अंधेरा उतनी तेज लाइट, जितना अंधेरा उतनी तेज, और बहुत सुंदर लगती है पता है रात में ना ये जब जलती है तो। अरे वाह
ये वाला घर भी सज गया, ये देखिए ये घर भी सज चुका है और यहाँ पर भी होने वाला है कल से। हाँ कल से इनॉग्रेशन स्टार्ट होगा यहाँ का फंक्शन। अच्छा लग रहा है साथ में सजा के, ये तो होता है यार पड़ोसियों के आने से खुशी तो होती। और अभी वैसे भी मतलब हमारे घर के आसपास में हम लोग इस कॉलोनी के एक ऐसे सदस्य हैं जो सबसे पहले इस कॉलोनी में प्रवेश किए हैं। सच में हमें देखकर ही और लोगों को थोड़ा सा जज्बा आया कि नहीं यार हमें भी जल्दी आना है। हाँ, सही बात है, ये एक दूसरे से मिल गए। एंड एक चीज और हो गई है, ये हमारे बाहर भी क्यारी बन चुकी है, वहाँ बन चुकी थी, ये अभी जस्ट आज ही हुआ है, कल इसमें प्लास्टर हो जाएगा। इसको भी बढ़िया अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाएंगे इसमें हम लोग, है ना। हाँ, बहुत सुंदर। और नेम प्लेट भी बहुत सुंदर बनवाएंगे, नेम प्लेट बनवाना है बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत जितने भी सारे पार्सल वाले आते हैं ना सब बोलते हैं सर आप लोग तो लगा ही लीजिए। मैंने कहा अब आपको लगाने मतलब बोलने की क्या जरूरत है, अब तो आपको घर पहचान आ जा रहा है। मतलब पार्सल वाले इतने ज्यादा पहचानते थे कि हम जब मिनाल में रहते थे तो वहाँ भी हमें अपने मतलब मिनाल में कह रही हूँ कि ग्रीन में जब हम रहते थे तो भी हमें अपने नाम की नेम प्लेट लगानी पड़ी थी। बिकॉज क्या होता है कि हमारे पार्सल्स कुछ ज्यादा ही आते हैं तो लोगों को समझ नहीं आता है कि ये उन्हीं का घर है कि किसका घर है, इसलिए। बट अब हम हमारे घर में आए हैं ना तो वो नॉर्मल वाली नेम प्लेट नहीं लगेगी, अब लगेगी कुछ स्पेशल नेम प्लेट, एकदम उसको देख के रिच वाली वाइब आनी चाहिए। मतलब गाइस मुझे ऐसी चीजें क्लासी चीजें एक्चुअली में पसंद है, हम दोनों को तो ही मतलब ऐसा है कि थोड़ा सा ऐसा क्लासी चीजें ना बहुत ज्यादा पसंद आती है। और सबसे अच्छी बात है कि हम दोनों की पसंद जो है ना वो एक जैसी है, नहीं तो उसके पीछे भी कई बार लड़ाई होती है। हाँ वाइफ की जब पसंद नहीं मिलती ना तो उनके बीच में फिर तो तुम एमएस स्टार्ट हो जाती, नहीं नहीं ऐसा ही होगा, नहीं नहीं ऐसे ही होगा। और हमारे साथ टच वुड ऐसा है कि जो इन्हें पसंद आता है वो मुझे पसंद जाता है, जो मुझे पसंद आता है वो इन्हें पसंद आता है, मतलब शुरू से ही ऐसा है। जब हम नहीं मिले थे तब पसंद ही है वो सेम है। हाँ तो इस चीज़ में हम लोगों की बहुत पड़ती है। वैसे भी हम लोगों के जो मतलब गुड़ मिले थे ना तो अच्छे खासे गुड़ मिले थे, कितने मिले थे हम लोगों के 36 में 28 गुड़ मिले थे हम लोगों के, तो बहुत होते हैं 28 गुड़ बहुत होते हैं। दिल मिलना जरूरी है, दिल तो ऐसे मिला है, दिल मिलना जरूरी है और समझ मिलना जरूरी है, ये बात तो है। मैंने तो 32 और 30 32 27 28 वाले भी झगड़ते हुए देखा जिनकी आज तक नहीं पटती, हस्बैंड इस रास्ते में वाइफ इस रास्ते में, ये बात तो है। पर यह है कि समझदारी होना चाहिए आज के टाइम पर। देखिए ये जो हमारे रिचुअल्स चले आ रहे हैं इसको इसका भी सम्मान करना चाहिए, बट समझदारी सबसे ज्यादा जरूरी है। और रिलेशन में कभी ईगो नहीं आना चाहिए, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों बोलूं। ईगो से रिलेशन खराब हो जाते हैं, किसी में भी नहीं आना चाहिए, ना ही लड़के में ना ही लड़की में, किसी में भी नहीं आना। पेंट कैसा हुआ है ना, मतलब थोड़ा सा पेंट छूट छूट सा गया, अब ये वापस से होगा ना अपना एक बार अच्छे से पूरा। एंड आज ये सारे जो फ्लोर्स है ना ये गीले हैं, मतलब सबको धुले गए, धुला गया है, इसको रख देंगे कल। हाँ। मतलब मॉर्निंग में इतनी अच्छी धूप आती है ना यहाँ पर कि ये सारे सूख जाएंगे, एक बार धुल जाते हैं तो पूरे नए से हो जाते हैं ना। हाँ, धूल डस्ट निकल जाता है ना, एक्चुअली में क्या बहुत ज्यादा धूल डस्ट हो रहा है यहाँ पर, सब धुल गए हैं अच्छे से, कुछ अभी डले हुए हैं। एंड अब ये लगेंगी न्यू ईयर में, क्योंकि क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेशन करेंगे यार, न्यू ईयर सेलिब्रेशन करेंगे और गाइस अपने अंदाज में 31st भी सेलिब्रेट करेंगे अपने ही अंदाज में। हमारे साथ ज्वाइन कौन कौन करना चाहता है ये भी बता देना। हाँ, 1 तारीख को कौन कौन हमारे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहता है कमेंट करके बताना जल्दी, ठीक है। जो ठंड है ना वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, अभी हम बाहर खड़ों की बात कर रहे हैं, लिटरली ठंड का एहसास हो रहा है। नहीं तो पहले तो मतलब दिवाली तक भी इतनी ठंड नहीं थी, इनफैक्ट मेरे बर्थडे तक में इतनी ठंड नहीं थी। हाँ, और अब थोड़ा सा जब मॉर्निंग में उठो ना तो उधर थोड़ा सा कोहरा कोहरा भी लगा करता है प्लांट्स के पास में, बस ऐसा लग रहा है ये वाला घर जल्दी से बन जाएगा ना तो थोड़ा सा और अच्छी वाइब हो जाएगी, यहाँ की कम्प्लीट हो जाएगी तो थोड़ा सा बाहर का अच्छा लगने लगेगा। यहाँ पे अपन वो खेला करेंगे क्या, बैडमिंटन, क्योंकि ठंड में खेलने का एक अलग ही मजा आता है। नहीं ठंड में ही मजा आती है, ठंड में ही मजा आती है, ये बात तो सही, खाना आना खाने के बाद एकदम फ्री। और ठंड में हम लोग का सूट का जो टाइम है वो भी चेंज हो जाएगा, मॉर्निंग में किया करेंगे, नहीं यार पर कुछ सूट इवनिंग में भी मजा आते हैं, इवनिंग में घर के अंदर ट्राई किया करेंगे अपना हीटर जिंदाबाद, एसी लग जाएगी तो एसी लगवा लेते है ना।
सो गाइस हमने चेंज कर लिया था, अब भी हमारा कुछ वेयर अप, हालांकि आप लोगों ने देख ही लिया, मैंने ये सारी हाँ इन्होंने नहीं किया क्योंकि मैच कर रहा था ना, तो मुझे लगा कि यार ये भी मतलब मैच कर रहा है, क्यों चेंज करूं। हाँ नहीं, इसके साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन लग रहा है। इन साड़ी गाइस बहुत सुंदर है, अगर आपको अपने स्पेशल डे के लिए लेना होना तो सुंदर लग भी रहा है, सच बोल रहा हूँ मैं, नजर ना लग, बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू सो मच। जब हस्बैंड तारीफ करते ना तो सच में ऐसा लगता है कि पूरा रेडी होना ना वसूल हो गया। मैं तो वैसे ही आपकी रोज तारीफ करता। ये बात तो सही है, करनी चाहिए, अपनी ही वाइफ की तारीफ करनी चाहिए, अपनी ही वाइफ पे फोकस करना चाहिए। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है खुशहाल जिंदगी का, खुश रहो, मस्त रहो, अपनी फैमिली के साथ रहो और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ ही ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। ये बात तो है, क्योंकि उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। बाद में आपको किसी चीज को लेकर रिग्रेट हो, इससे बेटर है ना कि आप ऐसा ही ऐसे डायरेक्शन में ऐसी लाइन में चलें कि आपको ये ना लगे कि अरे यार काश ऐसा नहीं करते। थैंक गॉड कि इन लोगों ने जो सीरीज लगाई है येलो और ब्लू कॉम्बिनेशन में लगाई है ना, येलो एंड ब्लू, अच्छा लग रहा है। बट हाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन हम लोगों को क्या है ना, शुरू से ही जब से हम लोग सीरीज लगा रहे हैं, हमने कभी मल्टी कलर नहीं लगाया। वार्म कलर लोगों को पसंद आती होगी बट हमें नहीं आई, हमें सिर्फ और सिर्फ वार्म कलर अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जो लाइट आती है ना, मतलब जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना, वो इतनी शानदार लगती है। और आप पूरी भीड़ में ना कलर अलग ही दिख जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मल्टी कलर से लगता है ना, तो ये कलर बहुत कम लगा करता है पूरी लाइन में, हमारी पूरी लाइन में। अभी तक देखो चार पांच फैमिली शिफ्ट हुई है, चार पांच फैमिली में सिर्फ दो फैमिली ऐसी है जिन्होंने वार्म लगाया है, वार्म व्हाइट। इससे मतलब दूर से ही जब देखो ना तो ऐसा लगता है घर दुल्हन सा सजा। अगले साल पकड़िए ना, मैं वो करूंगा ठंड। वो अभी मैंने क्या किया था ना, एक एक फिट के गैप में लगवाया था, तो मुझे लगता थोड़ा सा ज्यादा गैप हो गया, फिर भी बहुत घनी लगी है। नहीं पर अगले साल मैं और ज्यादा घनी लगवाऊंगा, और ज्यादा घनी, ठीक है। और भी लाइट्स लाएंगे अपन सुंदर सुंदर, और मैंने तो बहुत सारी चीजें सोच के रखा है, तो अपना एंट्रेंस अपने बहुत सुंदर करना, बहुत सारी प्लानिंग चलते रहती है गाइज। मतलब ऐसा नहीं है कि घर लेने के बाद भी इतना काम रहता है यार, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है घर लेने के बाद बनवाया ना, तो हमें लगा कि यार इसमें तो कुछ नहीं करेंगे ना, तो भी बहुत सुंदर है। और घर वाकई में टचवुड बहुत सुंदर है, जैसा भी है हमारे मन का है, तो पसंद का है, हमारी पसंद का है। बहुत सारे लोग जो हमको बहुत टाइम से जान रहे हैं ना, वो लोग ये बोलते हैं कि आप लोग जहाँ जहाँ भी रहे हैं उन सबको मिलाकर एक जो मतलब उन सबका निचोड़ करके एक जो बेस्ट निकलता है ना, वैसा आपका घर मिला। जो लोग हमारे सारे घर में ना विजिट किए आए हुए हैं उनको ऐसा लगता है, और सच्चाई ऐसा ही है, और हमारे हिसाब से हमारी भी हम भी मतलब हम भी जब सर्च कर रहे थे तब हमारा भी नजरिए में यही था कि यार हम लोग जितनी भी जगह रहे हैं ना, सबका एक निचोड़ होना चाहिए कि एक्चुअल में हमें जैसा हम सोच रहे थे ना, बिल्कुल सर्वगुण संपन्न घर मिला है। और यहाँ आने के बाद से लाइफ सबसे अच्छी बात है कि वाइब अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, घर बड़ा छोटा सा मतलब नहीं होता है, और हमारे हिसाब से काफी हमारे जो बिल्डर है वो ये बोल रहे थे कि हमको पता नहीं था कि आप ये बुक कर लेंगे, आपके सामने रोड थी, हमने इसका तो चार्ज लिया ही नहीं आपसे। ये वाकई में हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। मैं कभी भी कार यहाँ पार्क नहीं करता हूँ, हमेशा वहीं पार्क करता हूँ। कल को हम दूसरी कार भी लेंगे तो भी हमारे लिए पार्क करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। बात है हमें सामने भी गार्डन मिल रहा है, हमें इधर भी गार्डन मिलेगा। हाँ। और ये जो ये वाली जो लाइन है ये भी किसी गार्डन से कम नहीं लगेगी। हाँ ये भी यहाँ पर पूरा क्या है वॉल बन जाएगी, ये जो प्लांट लगे हैं ना इसके साइड में पूरी वॉल बन जाएगी, तो एक क्यारी जैसा बन जाएगा वहां से वहां तक, तो सिटिंग जैसा बना देंगे और बहुत सुंदर लगने वाला है, बहुत सुंदर लगेगा। जो रोड मिले ना, मतलब हमारी सबसे अच्छी बात है कि हम कितना भी बड़ा कार्यक्रम कर ले, हमें शायद कहीं और जाके करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से वहाँ तक टेंट लगा सकते हैं सीधा, किसी को कोई डिस्टरबेंस नहीं हमारे लगाने। ये चीजें बहुत अच्छी मिली है हमें, मतलब अभी जब से हम लोग शिफ्ट हुए हैं हमने दो कार्यक्रम कर चुके हैं बड़े बड़े, है ना। एक तो हमारा इनॉग्रेशन ही अच्छा हुआ था, 3 डेज का था पूरा, और उसके बाद हमने 100 के सेलिब्रेशन किया, और बहुत जल्दी ही 200 के सेलिब्रेशन भी करेंगे और 100 के यूट्यूब का भी करेंगे। प्लीज 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 यार 100 और करा दो यार, यूट्यूब में मेरे को जहां तक जहाँ तक मुझे फील हो रहा है कि ये आप लोग न्यू ईयर आने से पहले ही करवा दोगे, क्योंकि देखो दोनों में सेम पब्लिक की नीड है, ठीक है। इसमें भी 50K चाहिए, अराउंड 50K, इसमें भी अराउंड 50K चाहिए,
तो आप लोग जाइए, देर किस बात की है, दबा के शेयर करिए, खूब सारा प्यार दीजिए यार, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। एंड जैसे कि हमने 100 के सेलिब्रेशन में भी आप लोगों के साथ ये चीज शेयर की थी कि इसके बाद जो भी सेलिब्रेशन होगा, जब भी हम करेंगे तो हमारी YouTube इंस्टा फैमिली के साथ ही करेंगे, उसमें भी आप सभी लोग इनवाइटेड रहेंगे एंड जोरदार कार्यक्रम होगा। तो चले, बहुत सारी बातें हो गई, इस ब्लॉग को रखते हैं बस यहीं तक, क्योंकि अभी हमें चेंज करके और भी शूट्स करना है। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा एंड खूब सारा प्यार दीजिएगा गाइस। लव यू ऑल।